दोस्तों क्या आपको पता है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस फर्स्ट व्लॉग में सबसे पहले मेरा नाम फाइजा शौकत है और मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। चलिए मैं आपको अपने कमरे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एक इंटरेस्टिंग आज आपको दिखाने वाली हूँ, शायद आपके कमरे में वो नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं रोज पढ़ती हूँ। ये मेरा वो कमरा है जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। आपको वो चीज दिखाने जा रही हूँ जो कि आपके कमरे में नहीं होगा। आपने देखा होगा इस चीज को, इसका नाम मेरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे कमरे में है। आज मैं इनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हो तो लाजमी फॉलो करो। दोस्तों क्या आपको पता है अब्बा बिल के बारे में? उनकी एक बात मशहूर है कि वो सबसे ज्यादा इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। तभी वो घरों में घोंसला बनाते हैं, लकड़ी और मिट्टी लाकर अपना घोंसला तैयार करते हैं। इस घोंसले में वो दो कपल रहते हैं। जानवरों की तरह वो अंडे देते हैं, उनमें चूजे निकलते हैं। अब्बा बिल की एक बात मशहूर है, वो अपने बच्चों को बगैर ट्रेनिंग में परवाज करने के इजाजत नहीं देते हैं। मैंने देखा है कि चूजे निकलने से पहले अगर चाहो मेरे कमरे में 20-20 चक्कर लगाते थे, लेकिन चूजा निकालने के बाद वो 70-70 चक्कर लगाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उनके बच्चे पूरी तरफ से ये ट्रेनिंग सीखे, घोंसले से उठकर सीधे हवा में कैसे उड़े। उनके माँ बाप उनको ट्रेनिंग देते हैं जिंदा रहने के लिए, कि आपको सीधे हवा में उड़ना हो, अगर आप उड़ ना पाए तो गिरकर मौत हो जाता है। इस स्टोरी आपके साथ शेयर करने के एक ही मकसद है कि औलाद आपकी यकीन में से अपना हिस्सा पाते हैं। अगर वो यकीन और एतमाद से खाली होगी तो आप उन्हें क्या गिफ्ट करेंगे? बच्चों को दूसरानी न सुनाए बल्कि इनको प्रैक्टिकल करके दिखाए। याद रखिए, औलाद जितना अपने माँ बाप पर एतमाद और ही रखता है, किसी किताब या किसी फिल्म